प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि वो विपक्षी दलों पर एक निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का एक जीता जागता स्मारक है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। नवजीवन में आकार पटेल लिखते हैं कि मोदी तो पहले ही खर्च कर चुके हैं अपनी अर्जित राजनीतिक पूंजी, मौजूदा संकट से कैसे निकलेंगे। वो आगे लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया क्या, उन्होंने इस योजना को स्वाभाविक रूप से मरने दिया क्योंकि उनका तो दावा था कि वे लोगों को बेहतर नौकरियां पैदा करेंगे। इसके लिए उन्होंने इस योजना के मद में फंड को कम करके और कम से कम लोगों तक इस योजना की पहुंच करके किया। सरकार के कामकाज संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मनरेगा को देश के एक तिहाई से भी कम जिलों तक सीमित किया जाएगा। इसके अलावा एक काम और मोदी सरकार ने किया और वह यह कि मनरेगा की मजदूरी के भुगतान में देरी शुरू कर दी, जबकि प्रावधान यह था कि मजदूरों को 15 दिन में पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन भुगतान में देरी 2014 में 74 दिनों तक पहुंच गई। मोदी सरकार के कामकाज संभालने के 6 माह बाद दिसंबर 2014 में सिवाय 5 राज्यों के बाकी सभी राज्यों को मनरेगा के मद में 2013 के मुकाबले कम पैसा मिला। वो आगे लिखते हैं कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई और बेरोजगारी बढ़ने लगी, मोदी सरकार ने उसी मनरेगा में ज्यादा निवेश करना शुरू कर दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने नाकामियों का स्मारक कहा था। 2014-2015 में मनरेगा के मद में 32,000 करोड़, 2015-16 में 37,000 करोड़, 2017-18 में 55,000 करोड़, 2018-19 में 61,000 करोड़, 2019-20 में 71,000 करोड़ और 2020 में 110,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। नाकामियों का स्मारक इस तरह आकार में करीब 3 गुना हो गया। इतना होने पर भी यह योजना उस आबादी की नौकरी की मांग नहीं पूरी कर पा रही है जो बेरोजगार है। मौजूदा वित्त वर्ष में इस अनुमान के साथ कि मांग कम है, इस योजना के लिए सिर्फ 73,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, लेकिन इस साल के पहले 5 महीने में ही कुल बजट का 80% खर्च हो चुका है और काम के लिए लोगों की मांग बढ़ती ही जा रही है। मनरेगा के तहत लोगों को ग्रामीण इलाकों में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी 200 रुपये दिहाड़ी पर देने की बात है। यह गारंटी सभी रजिस्टर्ड परिवारों के लिए है, यानी परिवार को साल में 20,000 रुपये की आमदनी होगी। इस योजना के तहत देश के 13 करोड़ परिवार रजिस्टर हैं, जो कि देश के कुल करीब 25 करोड़ परिवारों के आधे के आसपास है। 2016 में करीब 24 लाख जॉब कार्ड की कमी थी, लेकिन नोटबंदी के बाद जॉब कार्ड की संख्या 18 लाख बढ़ गई थी। इसका सीधा अर्थ है कि जब आर्थिक संकट आता है तो परेशान और गरीब भारतीय मनरेगा का ही सहारा लेते हैं जीवन चलाने के लिए। एक तरफ जहां मनरेगा में स्थिति कुछ बेहतर दिखती है, वहीं गैर मनरेगा नौकरियों में हालात एकदम अलग हैं। अशोका यूनिवर्सिटी से संबंधित सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस के एक अध्ययन से सामने आया है कि पिछले साल मनरेगा की मांग में 1.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, यानी नोटबंदी के बाद जितनी मांग बढ़ी थी उससे 8 गुना ज्यादा। लेकिन दुर्भाग्य से देश के बड़े राज्यों में सरकारें उन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में प्रति रजिस्टर्ड परिवार का औसतन सिर्फ 18 दिन का रोजगार मिल रहा है, बिहार में सिर्फ 11 दिनों का, यानी यूपी में परिवारों को सिर्फ 3600 रुपये और बिहार में सिर्फ 2000 रुपये सालाना आमदनी हो रही है। क्या इतने पैसे से कोई परिवार काम चला सकता है? हकीकत यह है कि 95% के करीब रजिस्टर्ड परिवारों को पिछले साल 100 दिन का काम नहीं मिला। यह स्थिति जिसमें आज हम हैं। सेडा के सर्वे में जो दूसरी बात सामने आई वह यह है कि युवाओं को कहीं और अस्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है,
और वे भी अब मनरेगा के तहत काम तलाश रहे हैं। 18 से 30 वर्ष के 20% युवा 2018 में मनरेगा के तहत काम तलाश रहे थे। इनकी संख्या करीब 2 गुना होकर इस साल 37% पहुंच गई है। सरकार के अपने आंकड़े भी बताते हैं कि 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या कुल कार्यबल का 40% है। अमेरिका में यह संख्या 60% है, जबकि थाईलैंड में 70%, चीन में 70% से ज्यादा है। भारत में काम में शामिल होने वाले लोगों का प्रतिशत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। तो क्या भारतीय कमजोर हैं या कामचोर हैं? नहीं, हकीकत यह है कि काम है ही नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनमी CME ने कहा कि 2016 में देश की काम करने लायक आबादी में सिर्फ 42% के ही पास काम था, लेकिन 2017 में यह आंकड़ा 41% पहुंच गया और इसके अगले साल 2018-19 में 39% और 2019 में 36%। आज की तारीख में जितनी भारतीय काम कर रहे हैं उनकी संख्या आज से 5 साल पहले से भी कम है। हालांकि इस दौरान देश की आबादी में 7 करोड़ का इजाफा हो चुका है। यह समस्या ऐसी नहीं है जो आसानी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आंकड़े दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। आकार पटेल लिखते हैं कि इस सब का जितना असर पड़ चुका है और अब भी कितना असर हो रहा है इसका पूरी तरह आकलन किया ही नहीं गया, क्योंकि देश की राजनीति तो किन्हीं और ही मुद्दे पर केंद्रित है। अब सवाल है कि क्या देश की अधिकतर आबादी इसी तरह खामोशी से सहन करती रहेगी? वह तब जब असमानता साफ तौर पर हमारे सामने है। अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो यह जरूरी हो जाता है कि देश इस बारे में बात करे, चर्चा करे, न कि लोगों की सहनशीलता के जवाब देने और गुस्से के फूट पड़ने का इंतजार करें।